हेलो एवरीवन, बच्चों ये जो सीरीज है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया है सो दैट आपको चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव्स एक जगह पे मिले एंड यू ऑल कैन गो थ्रू ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स एंड 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे आपके एग्जाम में। व्हेनेवर यू फील दैट दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन गो थ्रू ऑब्जेक्टिव्स, प्लीज ये लेक्चर चालू रहने दीजिए, गो थ्रू द लेक्चर सो दैट आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 338 पे जो एक्सरसाइज नंबर 8 है वो देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो एंड री राइट द सेंटेंस। पूरा आंसर आपको लिखना है पूरा सेंटेंस में, ठीक है। फर्स्ट क्या है, बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ द शेयर। याद करिए, शेयर फोरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बचता है उसे हम क्या करते हैं, वी ट्रांसफर दैट टू द कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे हम कैपिटल रिजर्व पे टिक कर लेते हैं। आगे, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन टू डैश सिक्योरिटीज। प्रीमियम कहाँ दिखता है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। तो कहाँ है ये, देखो लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑलराइट, आगे, शेयर होल्डर्स गेट डैश ऑन शेयर्स। शेयर्स पे क्या मिलता है उन्हें, उन्हें मिलता है डिविडेंड। तो यहाँ पे डिविडेंड पे टिक कर लेते हैं। The document inviting to subscribe shares of a company is called prospectus. ये देखिए सब basic theory है, हमने देखा हुआ है detail में, basic वाले chapter में। किसी को अगर कोई भी doubt है, you all can definitely go through that, आपके सारे doubts clear हो जाएंगे। Next, as per SEBI guidelines, minimum amount payable on share application should be dash of the nominal value of shares. This is 5%. Okay? Next. When shares are forfeited, the share capital is dash. Share forfeit किया है, तो share capital को क्या करते हैं हम? Debit करेंगे, तो यहाँ पे आएगा debited. Next, the liability of shareholder in joint stock company is what? Joint stock company में सबसे important, what is the difference between partnership and joint stock? The liability here is limited, तो B आएगा. Next, the share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association is called authorized capital. Okay. Next, unpaid amount on allotment and calls may be transferred to dash account. जो भी पैसा unpaid है उसे हम क्या बोलते हैं, calls in arrears. तो यहाँ पे आएगा C. There must be provision in dash for forfeiture of shares. Forfeit अगर करने हैं आपको shares तो कहाँ पे provision होनी चाहिए, आपके articles of association में. तो answer आएगा A. Okay. Next. Give one word, term or phrase for each of the following statements. Amount called up on shares by the company but not received. Call किया लेकिन नहीं मिला, तो उसे हम क्या बोलते हैं, calls in arrears. Be very very careful with the terms. हा? Call किया है लेकिन पैसा नहीं मिलता है तो calls in arrears बोलते हैं हम, ठीक है, टिक कर लेते हैं। आगे, issue of share at its face value. 10 रुपए का शेयर अगर 10 पे issue किया तो हम क्या बोलते हैं, shares have been issued at par, so that is known as at par. The person who purchases the shares of a company, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं shareholder, ठीक है? Next, the form of business organization where huge amount of capital can be raised, क्या बोलते हैं उसे, joint stock company, ठीक है? यहाँ पे आपको लिखना है joint stock company. शॉर्ट फॉर्म में हम कंपनी बोलते हैं लेकिन एक्चुअल नेम है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, नाम में लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, दोस शेयर्स आर नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, किसके ऊपर डिविडेंड फिक्स नहीं होता, इक्विटी शेयर्स, ओके, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, कंपनी ने अगर कॉल नहीं किया है तो उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड, तो यहां पे आएगा अनकॉल्ड कैपिटल। चलो आगे क्या है, लेट अस सी, स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। फर्स्ट, directors can forfeit the shares for any reason. This is not true. This is false. Directors किसी भी reason के वजह से shares को forfeit नहीं कर सकते हैं. जो भी articles of association में बताया गया है वो reasons they have to follow.
एंड ओनली देन दे कैन फोरफिट शेयर्स। ठीक है, वंस द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव डायरेक्टर्स कैन इमीडिएटली प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नो, अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जब तक उन्हें मिनिमम अमाउंट नहीं मिल जाती है दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्टस, द डायरेक्टर्स कैन नॉट प्रोसीड विद द अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज टिल द मिनिमम अमाउंट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्टस इज सब्सक्राइब्ड फॉर एंड एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कंपनी, नो अलॉटमेंट कैन बी मेड। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन came into existence after industrial revolution. This is true. Why? Because after industrial revolution, there was a need for big businesses to be set up, which required lots of capital and expertise. So, iske liye hume joint stock company ki zarurat padi. Okay? Aage, equity shareholders get guaranteed rate of dividend every year. No, equity shareholders don't get guaranteed rate of dividend. Equity shareholders will get dividend as per the earnings of the company. So, jitna earning zyada, utna unko dividends zyada. Ya jitna earning kam, utna unka dividend kam. So, it will vary. Alright. Face value of shares and market value of shares is always same. Again, this is false. Face value is the nominal value of the share. Lekin jo market price hai share ka, that is determined by demand and supply. So there is going to be a difference in the market price of the share and the face value. Okay? Sweat shares are issued to the public. Again, this is false. See, as the name suggests, sweat equity shares jo hote hai, jo apna sweat, apna paseena baha ke company chalate hai, उन लोगों को वो शेयर्स दिए जाते हैं। ठीक है, सो कौन है ऐसे लोग, जो भी एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर्स है कंपनी के, उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट वेदर यू डिसएग्री और अग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मस्ट बी रिफंडेड। डिसएग्री, राइट। प्रो रेटा अलॉटमेंट में हम क्या करते हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट एज द नेम सजेस्ट, हम क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है हम उसे अलॉटमेंट में या कॉल्स में एडजस्ट करते हैं, तो वी डोंट रिफंड इट, सो डिसएग्री। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अभी एक मिनट, कॉल्स इन एडवांस मतलब हमें पैसा एडवांस में मिल गया और हमने कॉल नहीं किया। मैं अगर पैसा एडवांस में मिलता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस तो हम एसेट साइड पे नहीं दिखाएंगे, हम लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, सो दिस इज डिसएग्री। ठीक है, थर्ड, ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। दिस इज राइट, अग्रीड। पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन कॉल्ड अप कैपिटल। अगर आपने कॉल किया है 8 रुपीज, तो आपका पेड अप कैपिटल 8 रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकता है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। आप बोलोगे लेकिन कॉल्स इन एडवांस होते हो, सी कॉल्स इन एडवांस को हम ऐड नहीं करते हैं कैपिटल के साथ, कॉल्स इन एडवांस हम अलग से दिखाते हैं और पेड अप कैपिटल अलग से दिखाते हैं। ठीक है, सो पेड अप कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन योर कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ट्रू, अग्रीड। नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। नो, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, तो ये डिसएग्रीड। डायरेक्टर्स कैन री इशू फॉरफिटेड शेयर्स। यस, अग्रीड। नेक्स्ट, व्हेन द इशूड प्राइस ऑफ शेयर इज 12 and face value is 10, the share is said to be issued at a premium. Correct. True. So this is agreed. Next, public limited company can issue its shares without issuing its prospectus. No. This is wrong. Public limited company ko prospectus issue karna hi padta hai. So this is disagree. Shares can be issued for consideration other than cash. Correct. So this is agreed. Chalo, aage kya hai dekho? आंसर इन वन सेंटेंस ओनली, एक ही सेंटेंस में हमें आंसर देना है। व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच रिसीव प्रेफरेंस व्हाइल गेटिंग डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी एंड आल्सो ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज रजिस्टर्ड कैपिटल? द मैक्सिमम कैपिटल व्हिच द कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज, उसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। नेक्स्ट, What is reserve capital? अभी ये गौर से सुनिए। Reserve capital is that portion of the subscribed capital which is called up, but which by a special resolution was decided which will not be called up except in the case of winding up of a company. मतलब winding up हो रहा है, इसलिए अगर आप किसी capital को बुला रहे हो जो आपने special resolution से side में रखा था कि बाबा अगर winding up के लिए लगेगा तो हम ये पैसा बुलाएंगे, उसे हम बोलते हैं reserve capital.
ठीक है ओके. व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या, जितना आपने इशू किए थे शेयर्स उससे ज्यादा आपको एप्लीकेशंस मिल गए, इसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. व्हेन द कंपनी रिसीव्स ग्रेटर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड वी कॉल इट ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. ठीक है नेक्स्ट. विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव्ड? पैसा मिला तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. सो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. नेक्स्ट. व्हेन आर शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस? प्रोरेटा मतलब कब करते हैं, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है. इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वी अलॉट शेयर्स ऑन प्रोरेटा बेसिस, दैट इज अ प्रपोर्शन ऑफ टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड टोटल इशूड शेयर कैपिटल. प्रपोर्शन हम निकालते हैं और उस प्रपोर्शन में हम शेयर्स को अलॉट करते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट. ठीक है. व्हाट इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स? फोर फीचर का क्या मतलब होता है? शेयर्स आर कैंसल्ड when the membership of the shareholders is cancelled due to non-payment of allotment money ya non-payment of calls money is known as forfeiture of shares. Yeah. What are calls in arrears? Calls in arrears is that portion of the called up capital which has not been received. Okay. Okay. What do you mean by shares issued at premium? When shares are issued at a price which is higher than the face value of the shares, it is known as issued at a premium. ओके नेक्स्ट. व्हाट इज पेड अप कैपिटल? पेड अप क्या होता है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स. राइट. ओके नेक्स्ट. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट क्या है? व्हेन फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 एंड इशू प्राइस इज 120 देन इट इज सेड दैट द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम. राइट. 100 रुपीज का शेयर है, 120 पे बेच रहे हो मतलब प्रीमियम पे इशू किया. Dash capital is the capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association. क्या बोलते हैं इस capital को हम? Authorized capital. Next, the difference between called up capital and paid up capital. मतलब call किया और pay किया, इसका जो difference है इसे हम क्या बोलते हैं? पैसा आना बाकी है ना, तो calls in arrears. ये पैसा हमें future में मिलेगा. डैश शेयर होल्डर्स गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. कौन से शेयर होल्डर्स? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. डैश शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स. राइट. नेक्स्ट. डैश फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच कैपिटल इज रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स. कैसे? जॉइंट स्टॉक कंपनी. नेक्स्ट. डैश कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया तो उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल. देखिए बच्चों, ये बहुत डिटेल में मैंने समझाया था बेसिक लेक्चर में, जहां पे ऑथराइज से लेके पेड अप कैपिटल तक सारे स्टेजेस हमने कवर किए थे. अगर कोई भी डाउट है प्लीज गो थ्रू द बेसिक लेक्चर. ठीक है. नेक्स्ट. द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज नॉट इशूड टू द पब्लिक इज नोन एज वॉट? कैपिटल ऑथराइज हो गया लेकिन हमने इशू नहीं किया, तो इससे हम क्या बोलेंगे? अनइशूड कैपिटल. Unissued capital. Next क्या है देखो. Calculate the following. First, one shareholder holding 500 equity shares paid share application money at 3, allotment money at 4 per share and failed to pay final call at 3 per share. His shares were forfeited. Calculate amount of share forfeiture. देखिए share forfeiture account में कौन सी amount जाती है? जो ऑलरेडी मिल चुकी है शेयर होल्डर्स से. राइट. याद करिए शेयर फॉरफीचर में हम क्या करते हैं? जो पैसा मिल चुका उसे हम क्रेडिट करेंगे. तो कितना पैसा मिल चुका है यहाँ पे? 3 ऑन एप्लीकेशन ऑन 4 और अलॉटमेंट, मतलब टोटल 7 रुपीज मिल चुके हैं. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 500. तो कितना मिल चुका है पैसा? 3500. तो शेयर फॉरफीचर को कितना जाएगा? 3500. सिंपल. ओके आगे. 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम. कैलक्यूलेट द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम. 10 रुपए का शेयर का 10% प्रीमियम मतलब 1 रुपी. राइट. तो प्रीमियम की अमाउंट है 1 रुपी और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000. तो 10,000 शेयर्स इंटू 1 रुपी पर शेयर मतलब टोटल प्रीमियम हो गया 10,000. ओके नेक्स्ट. Company received excess application for 5,000 shares at 4 per share.
applications of 1000 shares are rejected and pro rata allotment was made. मतलब 5000 में से 1000 शेयर होल्डर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया और जो बचे हुए 4000 है उनको आपने प्रो रेटा में अलॉट कर दिए शेयर्स. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट. तो कितना एडजस्ट करेंगे, जो 4000 शेयर होल्डर्स है जिनको आपने प्रो रेटा में दिया है तो उनके उनसे आपको कितना पैसा मिला, 4000 × 4 दैट इज 16000 रुपीज. This is the excess amount that has been received, right? Because हमें दिया गया है excess application 5000 का है. तो excess जितना पैसा है वो हम adjust करते हैं allotment में. So ये answer आएगा 16000. Getting it? Okay. Next, 80000 equity shares of 10 each issued and fully subscribed and called up at 20% premium. Calculate the amount of equity share capital. कैपिटल की अमाउंट निकालनी है तो कैपिटल की अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल आपका कॉल्ड अप वैल्यू है. 80000 शेयर्स है, कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप एट 20% प्रीमियम दिया गया है. तो वी आर अज्यूमिंग कि टोटल कॉल्ड अप है तो यहां पे हम लिखेंगे 8 लाख रुपीज विल गो टू द शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, प्रीमियम जो अमाउंट होगी वो शेयर प्रीमियम में जाएगा या सिक्योरिटीज प्रीमियम में, राइट. Directors issued 20,000 equity shares of 100 each at par. These were fully subscribed and called up. All money was received except one shareholder holding 100 equity shares failed to pay final call of 20 per share. Calculate the amount of paid up capital of the company. सारे shareholders ने दे दिया, बस जिसके पास 100 shares थे उन्होंने नहीं दिया. तो पहले तो हम देखते हैं that total called up कितना होगा. 20,000 इक्विटी शेयर्स है एंड 100 रुपीज पर शेयर. ओके, तो 20,000 एंड 100 दैट गिव्स अस 20 लाख हमने टोटल कॉल किया, उसमें से सबने दिया लेकिन एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया जिसके पास 100 शेयर्स थे. तो ये टोटल अमाउंट उनके पास आनी चाहिए थी लेकिन कितनी नहीं आई वो माइनस कर देते हैं. लेस 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितने पैसे नहीं दिए उन्होंने, फाइनल कॉल 20 पर शेयर. तो 20 पर शेयर पैसा नहीं आया, कितना नहीं आया, 2000 रुपीज नहीं आया. तो कितना आ गया देखो, 20 लाख माइनस 2000 दैट इज 19,98,000 रुपीज. तो टोटल पेड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, 19,98,000. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. ओके, एंड लास्ट क्या है, कंपनी सेंट रिग्रेट लेटर फॉर 100 शेयर्स एंड अलॉटमेंट लेटर टू 25,000 शेयर होल्डर्स. एप्लीकेशन मनी वॉज 20 पर शेयर. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी विच द कंपनी इज रिफंडिंग. रिफंड किसे करते हैं, जिन्हें हम रिग्रेट लेटर्स भेजते हैं दैट बाबा वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी शेयर्स. तो 100 शेयर्स को रिग्रेट लेटर भेजा है, 100 इंटू एप्लीकेशन मनी इज 20 पर शेयर. तो 2000 रुपीज इज द अमाउंट दैट द कंपनी इज गोइंग टू रिफंड. ठीक है, आई होप ये बहुत ही अच्छी से समझ गया है बच्चों. अगर बहुत अच्छी से समझ गया है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और जरूर मुझे कमेंट करके बताइए दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब करिए. बिकॉज ये पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज होने के बाद वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल्सो टेक रिविजन लेक्चर्स. तो मेरे साथ बने रहिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए. इस साल वी हैव टू गेट मोर देन 90% मार्क्स इन अकाउंटेंसी और मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, सारे लेक्चर्स आप देख लेंगे तो आपको 90% से ज्यादा मार्क्स जरूर मिलेंगे. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.